आयोजन कार्यक्रमों की धूम। आज हुआ सेमलिया रोड नामली में, संपूर्ण देश ही नहीं विदेशों में भी बापू के भक्तों द्वारा अपने गुरुदेव की पावन प्रेरणा से आगामी तुलसी पूजन दिवस एवं गीता जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम पंचेड़ के द्वारा सेमलिया रोड नामली स्थित जीनियस अकादमी स्कूल में तुलसी पूजन एवं योग तथा उच्च संस्कार का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बालोपयोगी योगासनों, प्राणायाम, स्मृति वर्धक योगिक क्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर आश्रम के श्री प्रवीण भाई ने विद्यार्थियों को श्रीमद् भागवत गीता की उपयोगिता एवं तुलसी के औषधीय, धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व को बहुत ही रोचक तरीके से समझाया। आपने कहा, विद्यार्थियों को खाली पेट चाय कभी भी नहीं पीनी चाहिए, अभी तो तुलसी के 5-7 पत्ते निगलकर एक गिलास जल पीना चाहिए, उसके उपरांत 2 घंटे बाद ही दूध का सेवन करें, किंतु रविवार, द्वादशी, अमावस्या और पूनम को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ में भ्रामरी प्राणायाम का नित्य अभ्यास करें तो बच्चों की याद शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। तुलसी पूजन कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों ने भाव के साथ सहभागिता की व तुलसी की परिक्रमा कर उनका पूजन अर्चन किया। आरती के उपरांत सभी विद्यार्थियों को प्रसाद और नोटबुक्स, बॉल पेन आदि का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन एवं समस्त स्टाफ अगर अपने लोटे में जल लेकर तुलसी को देते हैं और जो पत्ते में अगर पानी गिरा ना, पानी पड़ा, जो पत्ते से जो पानी गिरता है वो भी अगर ऊपर छिटका लगा देना तो गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है और 5 गोदान करने का पुण्य होता है इतना करने मात्र के। और वो तुलसी का मिट्टी भी तिलक करना चाहिए और तुलसी को हर रोज दर्शन करने से सुवर्ण दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अपने पास इतना मतलब ऋषि मुनियों ने अपने को इतना खजाना दिए हैं। तुलसी का पत्ते खाते हैं कोई? सभी खाते हैं? सही में खाते तो पक्का दल। कितना पत्ते खाते हैं? एक पत्ते नहीं, 5 पत्ते खाना है, नहीं तो 7 पत्ते। ठीक है, हर रोज खाना है पर रविवार को नहीं तोड़ना है, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी को नहीं तोड़ना है। हाँ, बाकी दूसरे दिन अपने सेवन करेंगे। तुलसी पत्ते खाने से क्या फ़ायदा होता है कोई बता पाएगा? नहीं, तुलसी का पत्ते खाने से तो इतना फायदा होता है कि कह नहीं सकते। पहले तो अपना तो स्मरण शक्ति बढ़ जाता है और दूसरा मतलब बहुत सारे बीमारी, कैंसर जैसे बीमारी नहीं होता है, ये जो फैलता है ना, जो छूने से हो जाता है, ये सब बहुत प्रकार बीमारी उसमें नष्ट हो जाते हैं। और जिस घर में तुलसी है, तुलसी के छू कर जो हवा आता है ना, हवा सब बहता है तो स्वास्थ्यप्रद होता है। नाम और होता है वृंदा, और वृंदा कौन है पता आप जानते हो? छोटी दिवाली मनाई आप लोगों ने? छोटी दिवाली के दिन जो एकादशी जो होती है उसमें भगवान श्री कृष्ण और तुलसी जी की पूजा होती है, ठीक है, क्योंकि वो पूजा इनकी शादी के उपलक्ष्य में होती है और वही त्योहार ये अभी भी मना रहे हैं। ठीक है, जो छोटी दिवाली के दिन जो एकादशी थी ना, उसी के उपलक्ष्य में आज यह तुलसी पूजन दिवस रखा गया है। और तुलसी पूजन दिवस भगवान श्री कृष्ण और तुलसी जी की जो शादी होती है उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तुलसी एक आम पौधा नहीं है, यह एक सामान्य पौधा नहीं है, इसका हमारे वेद पुराणों से लेकर देवताओं तक का इसका जो महत्व है वो आपको, जो तुलसी अपने आप में एक पूजा जाने वाला पौधा है, इस यह देवतुल्य है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे घरों के आंगन में हम तुलसी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि तुलसी से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, यह नेगेटिविटी दूर करता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तुलसी होना चाहिए। जिन जिन की स्मरण शक्ति कमजोर है वह कल सुबह से ही तुलसी के पत्तों को खा करके एक गिलास पानी पीना प्रारंभ करें, बहुत चमत्कारिक फायदे होंगे आपको। क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने भी ये किया था, मेरी भी जो स्मरण शक्ति थी वो बहुत वीक थी, तो आज पंचेड़ आश्रम के जो कार्यकर्ता है, इन कार्यकर्ता बंधुओं के द्वारा हमारा स्कूल चुना गया तुलसी पूजन के लिए,
और यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को स्कूल के माध्यम से यह अवसर प्राप्त हो रहे हैं कि आप तुलसी पूजा में निरंतर भाग ले रहे हैं। तुलसी के क्या फायदे हैं और तुलसी एक देवतुल्य पौधा है, इसके जो महत्व है, इसके कारण जो है वो हमें बताए जा रहे हैं। तो फिर आपको जो पंचेड़ आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा जो पुस्तक दी गई है, किताब दी गई है, समय निकाल के आप इन्हें भी पढ़ें और 5, 6, 7 जितने पत्ते आप खा सको और इन पत्तों को आप खा करके पानी पिए, ये काम आप कल से ही शुरू करें, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश करें कि तुलसी को जल भी चढ़ाए एक लोटा डेली। धन्यवाद।